वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। हम ब्रेक पे गए और ब्रेक से पहले आज हमारा जितना दिन है वो खेल खेल में गुजर रहा है। कभी हम बाइसाइकिल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम कभी कुतुबुद्दीन और बल्कीज की बात करते हैं। आज जिस सेगमेंट की हम मेहमान सेगमेंट की बात कर रहे थे, हमारे पास मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। पहले हम उनको सलाम करेंगे और बताएंगे आपको एक खूबसूरत फीचर जो हमारे पास फिल्म आ रही है, आज रिलीज़ हो रही है खेल के नाम से, मगर डिटेल्स पूछेंगे हम जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं, जो इस फिल्म में रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फिल्म में लीड करेक्टर करने वाले, पर वो कहते हैं कि हम सब इसमें लीड करेक्टर थे। दुआ अली हैं हमारे साथ, वेलकम टू आवर शो। और उनके साथ हैं रुबीना कुरैशी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी फिल्म, और मुझे उस वक्त अच्छा लगता है जब हम दोनों मिलकर किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। खेल के नाम से फिल्म आज जो है सिनेमाज की जीनत बनने जा रही है, और उसके बारे में मैं डिटेल जानने से पहले मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे अपनी प्रमोशन के लिए टी शर्ट्स के ऊपर भी लिखा हुआ है खेल द मूवी, यस, तो उनको क्यों नहीं आपने पहनाया? उनको नहीं पहना सकते थे, वो ऐसे ही प्यारी लगेंगे, उनको हम नहीं पहना सकते ना शर्ट्स। मुझे एक्चुअली मैंने बीच में, क्योंकि मेरा मदर करेक्टर है तो मैं तो इनके लिए बस पीछे पीछे ही रहती हूँ, ये क्या यूँ क्यों, मुझे फिल्म में भी अम्मा का रोल, रियल लाइफ में भी, लेकिन फिल्म में मेरी मम्मा नहीं बनी, रियल लाइफ में मम्मा, लेकिन मेरी मम्मा मूवी में नहीं है, बट वैसे मम्मा है। अच्छा जी, वैसे अगर बात करें आज अब फिल्म रिलीज हो रही है 3 जून को सिनेमाज में, क्या कैसे फीलिंग्स है, क्या फील कर रहे हैं, एक्साइटेड है, नर्वस है, परेशान हो रहे हैं, क्या चल रहा है? परेशान तो पहले थे, अब तो आज का दिन आ गया, अब क्या परेशान होना, लेकिन बहुत खुशी है। और लाइक सीरियसली इतनी सी उम्र में मतलब एक मूवी आ गई, बहुत बड़ी बात है। क्लास फेलोज वगैरह भी हमारे साथ होती हैं तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि यार हमारी मूवी आ रही है, तो थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप थोड़ा फीलिंग होता है। आप जहाँ जाते हैं लोग देखते हैं और फिर जब मुड़ के देखते हैं फिर कहते हैं आप वही है ना, आप अभी तो होगा, अभी आगे भी होगा। हम आपको सभी का बता रहा हूँ, मुझे बता रही थी। ओके अच्छा जी, आपने जिस तरह बताया कि इतनी सी उम्र में आपने एक अगर मूवी कर ली तो डेफिनेटली ये एक अकम्प्लिशमेंट है। ये पहली जो मुझे जिस तरह से पता चला है और आपने बताया कि ये बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में टीनेजर्स इस फिल्म में लीड पे और टीनेजर्स की फिल्म है, ऐसा ही है, इसके बारे में थोड़ा बेसिकली आई गेस 70-75 ईयर्स में हमारी पहली मूवी है जो टीनेजर्स के लिए बनाई गई है। आज से पहले भी मूवीज बनी है लेकिन वो आई गेस लव रोमांस इस तरह की चीज़ों पे बनाई जाती हैं, बच्चों के ऊपर बहुत कम बनाई जाती हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम जो बच्चे हैं वो बाहर के जितने लोग हैं उनके फैंस होते हैं। जैसे एक आपका भी शो देख रही थी मैं, उसमें उन्होंने पॉपाय द सेलर मैन लाइक कुछ था और पिंक पैंथर, हमारे बच्चे जो हैं वो इनके फैंस हुआ करते थे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं तैयार किया गया कि जिसके वजह से हमारे बच्चे हमारे किसी टीनेजर्स के बच्चों के फैन हो। तो आई गेस कि हमारी जो मूवी है ये हमारी एज के जो बच्चे हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी, बहुत अच्छी मूवी है और इसमें हमारे कुछ सोशल इशूज भी हैं जो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली रुबीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आइडिया क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मूवी का, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि जैसे हमें बताया कि सोशल इश्यूज़ पे इसके ऊपर फोकस किया गया, कौन से सोशल इश्यूज़ हैं? देखिए अक्सर जगहों पे एक तो बच्चों में स्कूल कॉलेज में बुली बहुत एक मेन इशू आता है, तो कई जगहों पे ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिनको बच्चों के लिए काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट समझा जाता है, और इस मूवी में भी ये बताया गया, यही दिखाया गया कि किस तरह बच्चों को एक इशू आया और उन्होंने इसको किस तरह से सॉल्व किया। और मैं इस मूवी का एंड जहाँ तक है वो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए और बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बासलाहियत हैं, और इसमें यही उनकी हिम्मत और हौसले को ही हम दाद देंगे देख के। तो हिम्मत और हौसला, ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर हुई और कितना हिम्मत और हौसला दिखाया है, क्योंकि अब इन्होंने बड़ी राज तो खोल दी है, हिम्मत हौसले की बात ना करें। तो कहाँ का रिकॉर्डिंग्स हुई? अच्छा जी, पोस्टर पे थोड़ी अगर हम बात करें, स्क्रीन पे पोस्टर भी है इनकी मूवी का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में बताएं ना कि आइडिया है। अच्छा, ये हमारी तमाम कास्ट है और इसमें अभी पोस्टर तो हट चुका है, हमारी कास्ट है, समील है, अलाइबा है, मनाहिल है, आसान है और नाफे है, मैं भी हूँ, दुआ भी है, ठीक है, और ये भी है। तो माशाल्लाह अभी कास्ट हमारी आप लोग देखेंगे वो आएंगी, बाकी बहुत अच्छी स्टोरी है, आई गेस सब बच्चों को पसंद आएगी। और इस कास्ट में जैसे इन्होंने बताया कि बुलिंग अक्सर औकात बच्चों को किया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, सब स्पेशली ज़्यादा होता है, लाइक 1 से लेकर 10 तक अगर हम बात करें तो बच्चे को काफ़ी डिग्रेड भी बहुत सारे स्कूल्स में किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो स्किन कलर को
करो या नेचुरली इस तरह, ठीक है। और इसके हिसाब से एक और भी हमारा सोशल इशू है कि किडनैपिंग जो होती है हमारे यहाँ पर, तो उसको भी थोड़ा सा ना हाईलाइट किया गया। कहाँ पर आपने शूट किया, कहाँ का? ये आप जैसे पूछे थे ना कि इनकी लोकेशन वगैरह, इन बच्चों ने बाहिम्मत कैसे सहरा किला द्राव एक बे इंतहा चोलिस्तान के जाके एरिया में शदीद गर्मी जून का महीना, ऐसे वो मशरूबात बना के रखे, बच्चे जूं सीन कर आए पिए। मैंने कहा ठीक है, फिर रेगिस्तान में जाके रेत का तूफान फेस किया इन बच्चों ने। फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो बच्चों को दिलचस्प वाकयात भी तो हुए होंगे ना, जहाँ मुश्किलात होती हैं वहाँ पर बड़े या खेल खेल में बन गई मूवी बस? नहीं नहीं, खेल खेल में नहीं, इनको खेल से हटा के बनानी पड़ती थी। उस वक्त तो इनकी हटा के। किसने सबसे ज्यादा तंग किया? बस तंग पे उस तरह तो नहीं थे, लेकिन बच्चे कभी क्रिकेट खेलने लग पड़ते थे, कभी इकट्ठे होते थे, कोई ना कोई गेम शुरू करते थे, फिर प्रोड्यूसर साहब पीछे बचे, हमारे डायरेक्टर साहब बच्चों आ जाओ भाई चलो सीन ओके जी जी ओके, और माशाल्लाह से सब तैयारी में होते थे, मुतमिन होके कर रहे होते थे, उनको बहुत यकीन था। ये शायद बहुत वो कि हम बहुत एक बड़ा हमारे ऊपर है वर्क आ रहा है, हम बड़े खुश हैं। तो जहाँ तक इनको देखना पड़ा हालात से बच्चों को, लेकिन बड़ी खुश उसलूबी से इन बच्चों ने अपने आप को फेस किया। उसलूबी से जी, ऐसे अल्फाज थे आपके स्क्रिप्ट में? ना करें जी, तौबा करें। नहीं, नहीं, नहीं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ दिलचस्प? वाक्या मैं आपको बताती हूँ, एक हमारा एक डांस था ना, परफॉर्मेंस थी जो हमने चोलिस्तान में करनी थी, तो वहाँ पे ना सैंड स्ट्रॉन्ग आ गया बहुत बुरा, और उसका ये असर पड़ा कि हमारा डांस भी था उसके, हमने आधे घंटे बाद शूट करना उसी टाइम था, लेकिन शूट हमने आधे घंटे बाद किया। और जब वो शूट उस दौरान इतनी गर्मी थी कि हमारे जो डायरेक्टर थे वो हमें बार बार कहते थे बस एक टेक दे दो और ये पी लो बस, तो जैसे ना वो थी, हम कसम से वो वाक्य हम भूल नहीं सकते। क्या चीज होती है जो किक करती है आपको करने के लिए, नहीं यार वी हैव टू गेट इट डन, हमने करना है करना है करना है, बस क्योंकि घर जाना था ना करते थे ना। अच्छा थोड़ा म्यूजिक पे अगर हम बात कर लें जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है अभी। हम देख रहे थे भी ट्रेलर में भी म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा, किसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया, किसने गाया फिल्म? ये जहाँ तक म्यूजिक की बात है, हमने इस मूवी में टोटल अपने कल्चर म्यूजिक को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि कोई भी ऐसे सॉन्ग नहीं, जस्ट हमने अपने थर के सिंध के सर अपने जो सकाफत है उसको भी इसमें नुमाया किया। और हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर हैं रिजवाना जी, रिजवाना खान, उन्होंने इसकी माशाल्लाह से सिंगिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग भी इसमें। और बहुत जहाँ तक चोलिस्तान की किला द्रावड़ में हमने जब शूट किया तो कुछ अंदर सीन लेने थे, वो आपको दिलचस्प वाकया बताऊँ, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए जिसकी वजह से अंदर नहीं हम कर पा रहे थे। अब हमारी उनसे बातचीत चल रही है, इधर ये बच्चों ने काम खींचना शुरू कर दिया, कैमरे वाले चले चले अंदर ना से हम स्टार्ट तो ली, क्योंकि कुछ बाहर के भी करने थे। हम उनसे बहस कर रहे कि हमें इजाज़त दें, ये कह रहे हैं आप इजाज़त पे लगे रहो, हम शुरू किए हुए हैं। और हमें इतना अच्छा लगा कि इन बच्चों ने कोई टाइम वेस्ट नहीं करने दिया, कुछ भी वो नहीं, कह रहे ना हम कहते थे कि हम जल्दी, तो इन्होंने हमारी हर बात से मौका फ़ायदा उठा रहे थे कि ठीक है आप लोग लगे हुए, उनसे परमिशन, हम परमिशन के बगैर स्टार्ट हुए, आप उनको लगा ही रखें। जब आप जाते हैं मूवी में जाते हैं, टीम होती है, टीम वर्क तो होता ही है, कैसा लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि उससे पहले आपने ये कल्चर को एक्सप्लोर किया होगा एज अ टीनेजर? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम जब जाती है बहुत अच्छी फीलिंग आती है, फीलिंग इसको अच्छी नहीं आएगी जिसकी मूवी आ रही है और वो भी पूरी टीम के साथ। तो बाकी हमारे इंशाल्लाह बस हम सबकी सपोर्ट की जरूरत है, हमारी मूवी आज रिलीज होने वाली है, मुझे तो थोड़ा सा मैंने इतना डर तो नहीं है, डर कल था आज निकल गया, लेकिन इंशाल्लाह आज मूवी देखें। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि जब आप जाते हैं, जैसे आपकी मामा बता रही हैं कि वहाँ पर हमने जो कल्चरल म्यूजिक है उसको हमने, वो जो कल्चरल डांस है उसको हमने अडॉप्ट किया इस मूवी में ना, जब आप कल्चर के अंदर जेल इन होते हैं तो कैसा फील होता है एज अ टीनेजर, आपको कैसा फील होता है, वो म्यूजिक कैसा लगा आपको? मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन सीरियसली मैं जब वो गाना मैम ने सुनाया ना, जब हम परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ स्टेप्स हम कर रहे थे डांस परफॉर्मेंस के ना रेडी, तो उस टाइम मैं जब गाना सुनी थी मैं कह रही थी हाय अल्लाह इसके साथ लिप सिंक कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, और था भी थोड़ा सिंधी तो मुझे मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था ना। लेकिन जितनी बार हमने उस गाने को कोई 60 या 70 बार सुना होगा और वो गाना फ्लो में हमें याद हो गया था कि हम बार बार जब भी टेक देते थे ना हमारी खुद ब खुद लिप सिंक हो जाती थी उसके ऊपर। मैं आपको अपना एक डायलॉग सुनाती हूँ,
मेरा एक छोटा सा है, मम्मा क्या कहेंगी, ये हर बात पे ना मम्मी बच्चा okay. जब भी से कोई प्रॉब्लम आती है कुछ मम्मा क्या कहेंगी अच्छा वो जब ड्रेस पहना सिंधी तो चूंकि ये बच्चे वैसे ये महम पे गए होते हैं वहाँ उन्होंने चेंज वो इतना राजस्थानी ड्रेस और चूड़ियाँ ड्रेस होता है, थोड़ा हैवी होता है तो हाँ। अब ये उस पर यू पहले तो सारे बच्चे यूँ उठा उठा के चले तो हमें तो खाम हसीन के बिना लाइन थी ना मैं आपको बताती हूँ उस पर वो लाइन थी मामा ने मुझे ऐसे ड्रेस में देखा तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगी उफ मामा क्या कहेंगी मामा असल में जो है ना ये मेरा नाम इस मूवी में है तानिया और तानिया जो है वो थोड़ा मामा बच्चा अक्सर का हमारे सोसाइटी में 30% बच्चे जो होते हैं मामा पे डिपेंड करते हैं मैं उन्हीं में से 30 नहीं हम 99% मुझे अभी भी आते हुए चोट लगी तो मैंने कहा अम्मी जी लेकिन ये चीज भी बहुत अच्छी है माओं का प्यार है हर तरीके से गुस्से से भी और प्यार से भी हर तरह से बाकी सॉरी मैंने काटा नहीं चाह रहा था बस वो कभी कभी होता है चाय पीते हैं तो दिमाग तेज चलने लग पड़ता है चाय आपको किक देती है कैफीन होती है 0.3 से 0.5% तक होती है कॉफी में 3 से 4% होती है ये बताएं कि बाकी जो आपके साथ हैं जो कास्ट है थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें बता दें उनका क्या बैकग्राउंड है किस एज ग्रुप से हैं और थोड़ा उनका भी तारुफ करा दें हम जो सब हैं समील तो आई गेस उनकी एज है 21 बाकी जो हैं वो हम सब 16-17 साल इसी तरह हैं मैं तो 18 साल की हूँ लगती रही हूँ बड़ी लगती है अच्छा वीडियो बनाती रहती है ना तो जब सब उसमें देखते हैं तो कहते हैं जब रियल में आप छोटी लगती हैं अच्छा आप उसमें तो बड़ी लगती हैं स्क्रीन आपको वैसे ही थोड़ा ब्रॉड करके दिखाती है एग्जैक्टली बड़ा करके दिखाता है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हम भी अगर देखें तो अगर लोग देख रहे हो तो कहते हैं स्क्रीन पे तो आप इतनी मोटी लगती थी तो ये इट्स नॉर्मल ठीक है ये अब रूटीन है इसका कोई मसला नहीं हाँ तो फिर बाकी जो टीम है थोड़ा उसके बारे में बाकी जो हमारे कास्ट है दो हैं अलाइबा मिस्त्री और मनाहिल मलिक वो हैं जी तुर्की कहाँ से हैं कहाँ से वो तुर्की गई हुई है पढ़ने के लिए बाहर दोनों और जो हमारी दूसरी कास्ट है उसमें समीर है हसान है नाफे है ये लोग भी पढ़ रहे हैं अभी और समीर जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं वो बेटे हैं जिले आतिफ के और बाकी आपने कहीं से एक्टिंग की क्लासेस ली बकायदा ट्रेनिंग ली हम जो थे ना हम जो तमाम कास्ट है हमें एक्टिंग की क्लासेस नहीं हमें ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट किया गया था पाकिस्तान नेशनल वो है PNCA वहाँ से हमें ऑडिशंस पे कॉल आई थी हमने फिर वहाँ पे ऑडिशंस दिए थे उसमें से कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे फिर उनमें से हम बच्चे निकल आए और उसमें से जो है जब आप कहते हैं क्योंकि एक बड़ी जो बुनियादी चीज होती है फिल्म के लिए होती है जैसे अभी आप बात करते हैं डायलॉग डिलीवरी एक स्क्रिप्ट का भी पीछे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तो स्क्रिप्ट किसका लिखा हुआ था स्क्रिप्ट जो था वो आयान ने लिखा था जो डायरेक्टर के बेटे हैं उन्होंने खुद लिखा अच्छा 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 और डायरेक्शन उन्होंने दी थी प्रोडक्शन भी उन्हीं की थी ऑलराइट तो इस फिल्म में कितना टाइम लगा आपको टोटल इसकी जो है फिल्मबंदी में फिल्म आपको पता बीच में कोरोना आ गया था उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था लेकिन हमें 1.5-2 साल लगे थे डेढ़ दो साल और फिर कोविड के दौरान एडिटिंग का उस दौरान फिर हमने बहुत इसको क्योंकि जिस तरह के सिलसिले चल रहे थे हर घर में कुछ टेंशन बच्चे बहुत डरे हुए थे और उस तरीके से लेकिन बड़ी हमने मुहतात तरीके से इसको कंप्लीट अभी किया। पाकिस्तान में तमाम सिनेमा समतम थिएटर्स में ये आज थर्ड जून आज इंशाल्लाह रिलीज हो रही है तो बस आप वो जो आप इनसे पूछे थे क्या फीलिंग्स हैं तो ये तो फीलिंग्स इनसे ज्यादा जो बड़े होते हैं उनको पता होता है जो बाकी के जिनकी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली एनर्जी पैसा यानी रात हम 3 बजे तक तो हम खैर जागे हुए और सुबह की ये टेंशन थी कि हमने इधर भी पहुँचना है अच्छा तो सो गए तो फिर हो सकता है कोई बन जाए कोई आँख क्योंकि हम सफ़र से भी रात को ही पहुँचे थे वापस तो ये चीज़ है कि बहुत भरोसा है अल्लाह पे और मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चे हैं इन्होंने अपने पाकिस्तान में बने लिखे बच्चों की पहली मूवी है जी जी। और इन बच्चों के भी दिल भी उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़ों के होते हैं नाजुक से दिल वाले हैं मैं ये कहूँगी आपके थ्रू चैनल के थ्रू कि इन बच्चों को आप अप्रिशिएट कीजिए इनकी मूवी आ रही है उसको देखें उनको आप हिम्मत दें कि ये इंशाल्लाह से आगे बढ़ के काम करेंगे और ये बच्चे आज हैं और एक अली पहचान बनेंगे आपकी डेफिनेटली हमें चाहिए और जितनी एनर्जी है दुआ में यही एनर्जी हमें चाहिए
और हम भी मूवी देखने जाएंगे, समीन भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, हम सब जाएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, उनको मूवी दिखाएंगे। और आप सब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकरेजमेंट करें, इस नए टैलेंट को इनकरेज करें, पाकिस्तानी सिनेमा को आप इनकरेज करें, प्रोमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और इनका ना एक फेवरेट लाइन है, वो मुझे भी बड़ी अच्छी लगने लग पड़ी है। कौन सी? वो कहती है चार चांद लग गए ना। चार चांद लग गए। हाँ, चार चांद लग गए ना आपके आने से। कहती है चार चांद, जो लॉजिक थी वो भी मैं नहीं बताऊंगी। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म भी इंशाल्लाह ताला हमारे थिएटर में जाके चार चांद लगाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली रुबीना दुआ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। और वी रियली होप कि आज जो है वो आपकी मूवी बिल्कुल बहुत हिट जाए, तमाम लोग देखने के लिए जाएं। आज जनाब 3 जून है, सिनेमा में ये मूवी खेल मूवी का नाम है, ये रिलीज हो रही है। सोशल इश्यूज पे ये मूवी बनी है और डिफरेंट सोशल इश्यूज को यहाँ पर टच किया गया और एंड में यही लेसन दिया गया है कि बच्चों पर, अपने जो टीनेजर्स हैं उन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमें भी अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है, बाकी क्या है वो हम भी जाकर सिनेमा में देखेंगे। आप लोग भी ज़रूर देखें, अपना कॉन्टेंट देखें और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अपना कंटेंट जब हम देखेंगे तो हमारे देखने से ही हमारा कंटेंट इम्प्रूव होगा और ज़्यादा ज़्यादा जो है वो अच्छे टॉपिक्स पे फिल्म्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हमें टाइम बहुत कम रह गया है, टाइम बहुत कम रह गया। हाँ, तो फिर हम आपसे, हो गया पता चल रहा है खत्म हो गया टाइम। अच्छा, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। राइजिंग पाकिस्तान, अल्लाह आपको हर जहाँ पे खुश रखे और पाकिस्तान सिनेमा के लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। सबीन और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।